हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां भी हम एक आईपीओ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कि एक ब्रोकरिंग फर्म का आईपीओ है, जिसे हम एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता ही है कि दोस्तों, इस महीने मतलब सितंबर का जो मंथ रहता है वो ऑब्वियसली क्या रहता है कि आईपीओ की झड़ी का मंथ रहता है। आप लोगों को पता है कि अभी दो आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है और दो ही लिस्टिंग कितनी गेन हुई है, करीबन 100% के प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, आज एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, ठीक है, इसी हफ्ते एक और आईपीओ की लिस्टिंग आगे हो चुकी है। यहाँ पर अभी आज दो आईपीओ खुले हैं इस हफ्ते, कल से एंजल ब्रोकिंग का खुल रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके आगे हो सकता है यूटीआई म्यूचुअल फंड का भी आ सके इसी हफ्ते लास्ट में। तो ये मतलब आईपीओ सभी शानदार आईपीओ आ रहे हैं, तो क्या अपन इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट का माहौल है और मार्केट के माहौल के साथ साथ जिस प्रकार से वो प्रीमियम का गेन दे रहे हैं, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो लिस्टिंग गेन दे रहे हैं, मतलब ये कि सीधा सीधा आपका 7 दिन में पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। तो यही हो जाता है दोस्तों कि इन आईपीओ में हम पैसा लगाए कि नहीं लगाए। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो ब्रोकरिंग फर्म से रिलेटेड है एंजल ब्रोकिंग, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अपडेट देने वाला हूं, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई करने में आप लोगों को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का जो डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, आप नीचे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे। तो आप लोगों को जो इनकी एंजल ब्रोकिंग की जो सर्विसेज रहती है, करीबन 18,500 रुपये की सालाना तौर पर, वो आपको साल भर की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में भी डीमेट अकाउंट ओपन होता है। करीबन अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो यहाँ पर 40% तक का मार्जिन इंट्राडे में प्रोवाइड करता है। डिलीवरी चार्ज पूरा जीरो रहता है दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी इनकी ऐप में है और जो स्मूथ ऐप इनका ट्राई करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट देता हूँ एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ का। तो यहाँ पर आप कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हो, जैसे आईपीओ ओपन हो रहा है दोस्तों 22 सितंबर 2020, मतलब कल ही ओपन होगा और ये 24 सितंबर तक ओपन रहेगा, ठीक है। तो अपन डिटेल में और जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एंजल ब्रोकिंग के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनकॉर्पोरेटर, मतलब कंपनी जो मार्केट में पोजिशन बना के बैठी हुई है। करीबन 1996 में कंपनी मार्केट में आई थी और ब्रोकरिंग फर्म, ब्रोकरिंग इंडस्ट्री में दोस्तों इसने काफ़ी अच्छी खासी पकड़ बनाई थी, क्योंकि सबसे बड़ी ब्रोकरिंग फर्म अगर देखे जाए तो काफ़ी अच्छी खासी है। जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो एप स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरिंग फर्म को दबाया है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो CDSL पर रजिस्टर्ड है और काफ़ी अच्छी खासी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एंजल ब्रोकिंग ने अपनी फिर से क्वालिटी वाली चीज़ें प्रोवाइड की और यहाँ पर कस्टमर खींच के लाए, जिससे यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी अभी, इन्होंने ही अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया था 2021 का। तो इन्होंने बताया था कि हम लगभग 1,15,000 के समथिंग क्लाइंट हर महीने अब एड कर रहे हैं, मतलब नए कस्टमर यहाँ पर 1,15,000 के डेली बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे खासे एक्टिव क्लाइंट बन रहे हैं इनके, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है एंजल ब्रोकिंग ने। अब यहीं पर अगर आप देख लेते हैं, वन ऑफ द इंडिया ऑर्डर्स स्टॉक ब्रोकरिंग हाउस, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा स्टॉक ब्रोकरिंग हाउस है, ठीक है। मार्जिन फंडिंग एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सर्विस थ्रू, मतलब सभी चीज़ में ये सबसे अव्वल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से अभी ब्रोकरिंग फर्म का परफॉर्मेंस है और ब्रोकरिंग फर्म के ऊपर ट्रस्ट की लाइबिलिटीज आ जाती है, तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्या अभी यहाँ पर कार्वी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया था, ठीक है। आईपीओ आ रहा है, वो आईपीओ की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन ब्रोकरिंग फर्म के ऊपर ट्रस्ट करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ा था। अगर दोस्तों हम ब्रांड की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग के नाम से ये जाना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ये आप लोगों को पता ही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो एक्टिव क्लाइंट ओन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब सभी ब्रोकरिंग फर्म से अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्टिव क्लाइंट इनके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे
लिस्टेड है, ठीक है। तो क्या है, अगर आप देखें तो मार्केट शेयर ऑफ अराउंड, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6.3 मिलियन एंड 2.15 मिलियन ऑपरेशन ब्रोकरिंग अकाउंट हज़ार जून 2020, मतलब जून 2020 तक इन्होंने करीबन मार्केट कैपिटल तो इतना इनका कितना है मार्केट में, सभी ब्रोकरिंग फॉर्म का मार्केट जुड़ता है, मार्केट कैपिटल जैसा जुड़ता है, तो इनका है करीबन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 6.3% का। वहीं अगर आप देखोगे तो 2.15 मिलियन इन्होंने अभी तक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहां पर डीमैट अकाउंट ओपन कर चुके हैं, मतलब कंपनी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पे अभी खड़ी है। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जिस प्रकार से आईपीओ के लिए अपन अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो अपने को सभी चीज़ें इस एंजल ब्रोकिंग में मिलने वाली है, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे इट्स डिजिटल ट्रांसमिशन हेल्प, मतलब जो डिजिटल इनका ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आप देखोगे तो द फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट, जैसे कि आप लोगों को अभी ने बताया कि सबसे चौथी मतलब सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों ये ब्रोकरिंग इंडस्ट्री में जिसके एनएससी में सबसे ज़्यादा क्लाइंट है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट आप भी ओपन कर लेते हैं लेकिन यूज़ एक या दो ही करते होंगे। वहीं से अगर आप देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट टर्म ऑफ इंक्रीमेंट एनएससी क्लाइंट इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल 21, मतलब आप देखोगे तो सेकंड मतलब यहाँ पर क्या सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है जिसने फाइनेंशियल ईयर 21 में मतलब जून अप्रैल मई जून में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइंट जोड़े हुए, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी, ठीक है। यहीं पर इन्होंने क्या एक फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर के कंपैरिजन किया, मतलब क्वार्टर वन मतलब 2020 से 2021 को कंपैरिजन किया तो इनका एक एवरेज निकल गया। यहां पर आप देख सकते हो एवरेज डेली टर्न ओवर हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम कितना था पहले यहाँ 2020 में क्वार्टर वन में था करीबन 2,53,176 मिलियन था, वो अब यहाँ पर बढ़ के कितना हो गया 6,18,945 मिलियन का। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टर है और यहाँ पर 2021 का ये क्वार्टर है, मतलब कंपैरिजन करें तो यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम एंजल ब्रोकिंग के ऑफ़र एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ब्रोकरिंग एंड एडवाइजरी ये आपको फ्री में मिलती है दोस्तों, क्योंकि आप अगर हमारे लिंक के अकॉर्डिंग डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो ये आपको फ्री मिलेगी, अदरवाइज आपको आप कहीं से भी ओपन करते या खुद से भी करते तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी मिलते हैं। वहीं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काफ़ी अच्छा मार्जिन भी प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर एजुकेशन ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोन्स एजेंट्स एंड शेयर मतलब ये भी काफ़ी अच्छा है, रिसर्च आप अगर इनकी रिसर्च नॉलेज भी देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी है। वहीं अगर आप इसकी स्टैंड की देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम मतलब ब्रांड नेम आप लोगों को पता है एंजल ब्रोकिंग फटाक से बोल भी देते हो आप। एवरेज अगर आप देखोगे एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, मतलब इन्होंने इनके प्लेटफॉर्म को काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया है और पूरी तरीके से ये डिजिटल मार्केट को आ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, इनका जो बेस है क्लाइंट का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये आप लोगों को पता है। पेन इन इंडिया पर्सन, ठीक है, इंडिया का ही पर्सन है आप लोगों को पता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है दोस्तों कंपनी की, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं से अगर आप देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स जान लेते हैं दोस्तों, दिनेश डी ठक्कर, ठीक है, अशोक डी ठक्कर एंड सुनीता ए मंगनानी आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, मतलब ये तीनों कंपनी के प्रमोटर से दोस्तों, ठीक है। वहीं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जान लेते हैं क्या है, तो अभी हम दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, अब यहाँ पर हम क्वार्टर टू क्वार्टर छोड़ देते हैं, हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो मार्च 2018, मार्च 2019 और मार्च 2020 में यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल असेट्स जो है वो वैल्यूएशन जो है मिलियंस में आप देख सकते हो, तो करीबन यहाँ पर आप देख सकते हो 22,828 मिलियन था 2018 में, वो कम होके 19 में कितना हो गया था 21,690 मिलियन का, और वही कम होके मार्च 2020 में कितना हो गया था 21,519। लेकिन अभी आपको जो एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाया दोस्तों कि जो बड़ा है मतलब
अप्रैल मई जून में सबसे ज़्यादा इनका क्लाइंट बेस बढ़ा है, तो जिसके कारण क्या हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हो 29,731 मिलियन, मतलब सभी क्वार्टर को अगर जोड़ा जाए तो उनसे सबसे ऊपर ये निकलती हुई देखने को मिल रहा है। वहीं अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू तो कितना था यहाँ पर आप देख सकते हो 7,536 मिलियन का था मार्च 2018 में, यहाँ पर बढ़ा था तो कितना हुआ था 7,626 2019 में, 2020 में ये करीबन अगर देखें तो 200 मिलियन कम हो गया था, कितना हो गया था करीबन 7,427 का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन अब इसको करोगे, मात्र 3 महीने में इतने इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है करीबन 2,440 मिलियन का, अगर यहाँ पर 2,400 का अगर आप 4 क्वार्टर में कैलकुलेशन करोगे तो आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स निकल के आएगा सालाना तौर पे, ठीक है, मतलब मार्च 2020 को भी ये पीछे छोड़ देगा। वहीं पर अगर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च में इन्होंने करीबन नेट प्रॉफिट बचाया था करीबन 1,000 मिलियन का, मार्च 2019 में 766 मिलियन का, मार्च 2020 में 866 मिलियन का। वहीं अगर आप देखोगे तो मात्र 3 महीने में इन्होंने करीबन 380 मिलियन का प्रॉफिट बचाया, अगर इसको भी 380 को भी आप कैलकुलेशन करोगे 4 में तो आपको इन सबसे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस दोस्तों एक जोरदार और एक शानदार है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन IPO की कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो IPO डेट जो कि कल से ओपन हो रहा है 24 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। वहीं इशू टाइप अगर देखोगे तो बुक बिल्डिंग इशू IPO है, ठीक है। इशू साइज़ अगर देखते हैं तो करीबन ये 600 करोड़ का इशू साइज़ है, ठीक है। फेस वैल्यू अगर इक्विटी की फेस वैल्यू देखें इनके शेयर की तो 10 रुपये की है। फ्रेश इशू जो ला रहे हैं, ठीक है, जो इनको फंड जुटाना है वो करीबन 300 करोड़ का है। वहीं ऑफर फॉर सेल में ये 300 करोड़ जुटाएंगे, तो इस प्रकार से ये इस 600 करोड़ का रहेगा। वहीं फेस वैल्यू 10 की आप लोगों को पता बता ही दिए मैंने। यहीं पर अगर आप देखोगे तो IPO की जो चीज़ है प्राइस बिडिंग 305 रुपये से 306 रुपये का, जहाँ तक आप 306 तक ही आपकी बिडिंग डलेगी। मार्केट लॉट रहेगा दोस्तों 49 शेयर का, मिनिमम क्वांटिटी आप 49 करके ही डाल पाओगे, दोनों जगह ये लिस्टिंग होगा BSE एंड NSE पे, ठीक है। वहीं अगर आप देखते हैं एंजल ब्रोकिंग IPO तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं बिड ऑफर ओपन मतलब 22 तारीख, बिड ऑफर क्लोज ऑन 24 सितंबर, अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल अलॉटमेंट तो 29 तारीख को ये अलॉटमेंट मिल जाएगा, पता चल जाएगा, जो भी इसका रजिस्ट्रार होगा उस साइट पे जाके आप 29 तारीख को चेक कर सकते हो। वहीं अगर आप देखेंगे रिफंड की, जो आपने फ़ंड लगाया आपको अगर नहीं मिला तो 30 तारीख को आपकी डीमैट में वापस फंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपके डीमैट में करीबन 1 अक्टूबर को ये IPO क्रेडिट हो जाएंगे, और मार्केट में करीबन लिस्टिंग गेन अगर होता है मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा तो 5 अक्टूबर को 10 बजे के समथिंग ये IPO मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप देखें 22 तारीख से तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है दोस्तों, ये अप्रॉक्सीमेट 10 दिन से भी ऊपर का समय हो रहा है। मार्केट में क्या मोमेंटम चलता है अभी, जिस प्रकार से गिरावट, अभी मार्केट ओपन है दोस्तों, जिस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट आई है तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी कर ले, तो इस IPO को भी एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। वहीं आप अगर देखेंगे कट ऑफ अगर देखते हैं, मिनिमम आप एक लॉट डाल सकते हो करीबन 14,994 रुपये का, मतलब 15,000 के अंदर अंदर आपकी ये बिडिंग आ जाएगी। वहीं मैक्सिमम आप 13 लॉट डाल सकते हो जिसमें क्वांटिटी आपकी आएगी 637 और अमाउंट रहेगा दोस्तों 1,94,922, ठीक है। तो अपने लिए काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें हैं, और भी आप डिटेल चेक कर सकते हो, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर है जो भी, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम की साइट के ऊपर लेके आए हो, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रे मार्केट में अभी हाल फिलहाल में एंजल ब्रोकिंग के IPO का प्रीमियम चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, IPO वॉच एंजल ब्रोकिंग स्टॉक गेट करीबन 55 से 75 रुपये का प्रीमियम चल रहा है इन ग्रे मार्केट। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो बिडिंग प्राइस क्या है 306 रुपये की, ठीक है। अगर प्लस में अगर आप 55 रुपये या 75 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी बड़ी लिस्टिंग गेन, अभी हाल फिलहाल में बिडिंग नहीं चालू हुई जब भी इतनी बड़ी लिस्टिंग गेन देखने को मिल रही है। जब इसका IPO अगर सब्सक्राइब होने लगता है, जैसे एक दिन में ही करीबन बहुत सारे IPO, जैसे आज जो 2 IPO खुले उसमें से एक IPO ऐसा है जो 75%
आज ही सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है, सभी ट्रेडर्स के माइंड में ये हो गया है कि मार्केट छोड़ो, अब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करो, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब वहाँ पर तो लक मैटर करता है कि जिसको भी मिला। अब कोई सी ट्रिक तो ऐसी है नहीं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पे डालो या सेकंड पे डालो या थर्ड दिन डालो, कभी भी डाल सकते हो, वो तो आपको अलॉटमेंट मिलना होगा तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो किसी की भी बात ना सुने, आपको जिस दिन डालना है आप डालिए और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए आईपीओ जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों, आप इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। चलिए तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। वीडियो को क्लोज़ करते समय यही बोलूँगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।